भारत की नदियाँ। भारत में नदियों को दो भाग में बांटा जा सकता है, वन हिमालयी अपवाहक नदी तंत्र, टू प्रायद्वीपीय अपवाहक नदी तंत्र, हिमालयी अपवाहक नदी तंत्र। सिंधु तंत्र, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्वास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल एवं गिलगित। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायनगढ़ ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु कराची के पूर्व अरब सागर में गिरती है। गंगा, गंगा उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले से गोमुख निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। पहली बार मैदानी इलाके में गंगा का प्रवेश हरिद्वार के पास होता है। गंगा में बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा में दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां यमुना, टोंस, सोन। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं, जहां वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना इसका उद्गम बांदेरपुंज के पश्चिम ढाल पर यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड है। ये इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों चंबल, केन, सिंध, बेतवा है। चंबल ये विंध्य पर्वत से मुंह के पास निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। बनास इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये नदी अवनालिका अपरदन के लिए प्रसिद्ध है और ये उत्खात भूमि का क्षेत्र कहलाता है। सोन ये अमरकंटक से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा ये कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। घाघरा इसके ऊपरी हिस्से को करनाली कहते हैं, यह छपरा के पास गंगा में मिलती है। गंडक ये नेपाल चीन सीमा के पास हिमालय से निकलकर सोनपुर के पास गंगा में मिलती है। कोसी इसकी मुख्य धारा अरुण गोसा इनाक के उत्तर से निकलती है। ये बिहार के खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। बार बार मार्ग बदलने एवं बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चिमायनगढ़ हिमनद है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। यह भारत में नामचा बारवा चोटी को काटकर प्रवेश करती है, जहां इसे देहांग कहते हैं। सादिया नगर में दो सहायक नदियां दिबाग एवं लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां सुबनासिरी, धनश्री, तिस्ता एवं मानस है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप इसी नदी पर है। यह बांग्लादेश में पद्मा में मिल जाती है, जहाँ इसे जमुना कहते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह के नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की अपेक्षा अधिक पुरानी हैं। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, जिससे इसका ढाल अत्यंत मंद है। ये नदियां दो भागों में बांटी गई है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां महानदी ये छत्तीसगढ़ के सिंघावा श्रेणी से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां जो शिवनाथ फतेल आदि हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 1465 किलोमीटर। यह पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, कृष्णा। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, येरला, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एवं मूसी। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है। कावेरी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, जिससे इसमें वर्ष भर जल रहता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं हिमावती, लोकपावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, सुवर्णावती आदि। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। विंध्याचल एवं सतपुरा के बीच ये एक अंश घाटी से होकर गुजरती है। जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। खाड़ी में गिरने से पहले ये ज्वारनदमुख बनाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं तवा, दूधी, शक्कर, हिरण, ओरसन, कोनार माचक, तापी, ताप्ती,
ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा श्रेणी से निकलती है। सतपुरा एवं अजंता के बीच ये ब्रंश घाटी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। साबरमती राजस्थान के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलकर यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही ये मध्य प्रदेश में विंध्य की चोटियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सोम एवं जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। घग्गर ये शिवालिक पहाड़ियों में शिमला के पास निकलती है। हनुमानगढ़ राजस्थान के पास भटनेर में मरुस्थल में विलीन हो जाती है। लूनी ये अजमेर में अरावली के नाग पर्वत से निकलकर कच्छ के रण में दलदल में विलुप्त हो जाती है। सरस्वती जवाई सुखरी लीलरी इसकी सहायक नदियां हैं। इसे भारत की लवण नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी भारत की नदियां। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।